HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे तो नाग नागिन के इंतकाम की किस्से रियल लाइफ में ही बहुत देखने को मिलते हैं, लेकिन हाल ही में कानपुर में यह घटना रियल लाइफ में घटित हुई है जो चर्चा में है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कानपुर के चौबेपुर के किशुनपुर गांव में बुधवार को सुरेश यादव के घर में नाग निकला, जिसे उन्होंने मारा डाला। हैरानी की बात यह है कि उसी घर में दूसरे दिन एक नागिन निकली और उसने महिला को डस लिया। नागिन के डसने से महिला की मौत हो गई। बताया जाता है कि नागिन ने भी मौके पर ही दम तोड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरेश यादव की पत्नी उमा देवी बुधवार की शाम आंगन में काम कर रही थी, तभी उसकी नजर आंगन में आए एक सांप पर पड़ी। हला मचाने पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने नाग मार डाला, इसके बाद उसे जला दिया। गुरुवार सुबह नागिन बदला लेने उसी जगह पहुंच गई जहां नाग को मारा गया था। उमा देवी गुरुवार सुबह आंगन में सफाई कर रही थी, तभी नागिन ने उसे डस लिया। ग्रामीणों के मुताबिक नागिन के डसते ही उनके मुंह से सिर्फ चीख निकली। परिजन जब तक आंगन में पहुंचे तो देखा कि उमा तड़प रही है, पास ही नागिन बैठी थी। इतना देखकर लोग दहशत में आ गए। उमा देवी को उठाकर किसी तरह अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद परिजन झाड़फूंक कराने के इरादे से ओझा के पास पहुंचे, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। नागिन के बारे में एक और बात चौंकाने वाली यह रही कि वे मौके से नहीं हटी। जिस जगह नाग को मारा गया था उसी जगह पर बैठ रही और दम तोड़ दिया। बाद में पहले परिजनों ने पहले नागिन का अंतिम संस्कार किया, बाद में उमा देवी का अंतिम संस्कार किया।